बहुत इम्पोर्टेंट, 1 डेगामीटर बराबर होता है 10 मीटर के, 1 हेक्टोमीटर 100 मीटर के। फिलहाल देखिए, मैं सारी वो क्वांटिटीज़ की बात कर रहा हूँ जो मीटर से बड़ी होती हैं। एक बात कॉमन है, सबका जो एब्रीवेशन है कैपिटल लेटर से, DM, HM, KM, MM, GM, जैसे कि किलोमीटर 10^3 मीटर, मेगामीटर 10^6 मीटर, गीगामीटर 10^9 मीटर, टेरामीटर 10^12 मीटर, पेटामीटर 10^15 मीटर, हेक्सामीटर 10^18 मीटर, ज़ोक्टामीटर 10^21 मीटर और योक्टामीटर 10^24 मीटर। सो डियर, ये अब यहाँ पर कोई भी क्वांटिटी आपसे पूछ सकते हैं, एग्जाम में आ सकती है कि भाई एक टेरामीटर में कितने मीटर होते हैं, एक हेक्सामीटर में कितने होते हैं मीटर्स, ठीक है जी। अब एक बड़ी दिलचस्प बात बताऊँ कि अगर कलकला को उल्टा आ जाए कि एक मीटर में कितने गीगामीटर होते हैं। हाँ जी, ज़रा जवाब दें। जब 1 गीगामीटर में 10^9 मीटर होते हैं तो 1 मीटर में कितने गीगामीटर होंगे भाई, उल्टा कर दें, +9^10^-9 हो जाएंगे। अब 1 पेटामीटर में 10^15 मीटर है तो 1 मीटर में कितने पेटामीटर होंगे। हाँ जी, जल्दी जवाब दीजिए, कितने होंगे, 10^-15 पेटामीटर। सो बहुत औसम बच्चों क्वान्टिटी। अब यही यूनिट ग्राम के हिसाब से भी चलता है, यानी 1 टेरा ग्राम का मतलब है 10^12 ग्राम, 1 पेटा ग्राम का मतलब है 10^15 ग्राम, लेकिन मास में यूजली हम इतना यूज़ नहीं करते, इसको लेंथ में यूज़ करते हैं, ठीक है जी। सो 10^24 जो है वो हमारा योक्टा होता है, जहन में रखे इस बात को। और देखिए, सबकी स्पेलिंग में ज़्यादातर ए आ रहा है सिवाय इसके किलो के और हेक्टो के, ठीक है यार।